नमस्कार, मैं हूं शिवानी धड़ाधड़। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर अयोध्या में आज लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा लगाई गई है जिसका वजन 14 टन है। इस मौके पर रामकथा पार्क में लता दीदी के चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई थी। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने नामांकन किया। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी के समक्ष उन्होंने नामांकन किया। इस दौरान मीशा भारती, जगदानंद समेत कई नेता मौजूद रहे। लालू प्रसाद का फिर से अध्यक्ष चुना जाना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जॉर्जिया मेलोनी को इटली में हुए चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है और कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। मेलोनी दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन को जीत की ओर अग्रसर किया है और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। पटना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ट्वीट करते हुए लिखा कि बाय बाय पीएफआई। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देशभर में बैंकों में जितने भी खाली पद हैं उनको भरा जाए। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुख के साथ की गई मीटिंग में उन्होंने इस बात की भी समीक्षा की कि अनुसूचित जाति के लोगों को बैंक किस तरह लोन बांटता है और उन्हें सरकारी योजनाओं का उचित लाभ मिल रहा है या नहीं। पश्चिम चंपारण जिले के वीटीआर में 15 दिन बाद बाघ वन विभाग की पकड़ से दूर है। बाघ के रेस्क्यू में जुटी पटना हैदराबाद की टीम और वन अधिकारी व वन कर्मी 4 हाथियों पर बैठकर जंगल के अंदर घुसे हैं। एक भैंस को पेड़ से बांधा गया है। बाघ का इंतजार किया जा रहा है कि वह शिकार करने आए और उसे पकड़ा जाए। अल जजीरा चैनल में एक लेख छपा है जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार बताया गया है। अल जजीरा ने हाल ही में ब्रिटेन के लिसेस्टर में हुई घटना के पीछे भी इसे ही वजह माना है। साथ ही कहा गया है कि हिंदुत्व का प्रचार पॉलिटिकल फिलॉसफी बिल्कुल नए अंदाज में सामने आ रही है। बिहार सरकार जल्द ही 7,000 से अधिक नए पदों पर भर्ती करेगी। रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में कुल 7,595 पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही दूसरे विभागों में 228 पद भरे जाएंगे। कुल मिलाकर इन 7,823 नए पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। वसीम जाफर सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़े मजेदार पोस्ट शेयर करते रहते हैं जिससे यूजर्स खूब पसंद भी कर रहे हैं। उन्होंने मोहाली में खेले गए पहले मैच के लिए एक कंगारू की तस्वीर शेयर की जो आक्रामक थे। वहीं नागपुर के दूसरे मैच और हैदराबाद के तीसरे मैच के लिए वसीम जाफर ने एक कंगारू और एक शख्स की तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह शख्स कंगारू को घूंसा मार रहा था। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में फिल्म सिटी बनाने और उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिवंगत फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए वो राज्य सरकार में कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री से बात करेंगे। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का आज सुबह निधन हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ हफ्तों से एक्टर की मां बीमार थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। हैदराबाद के AIG अस्पताल में महेश बाबू की मां का इलाज चल रहा था जहां 28 सितंबर 2022 की सुबह एक्टर की मां इंदिरा देवी ने आखिरी सांस ली। केंद्र सरकार ताज़ा डेवलपमेंट में PFI की वेबसाइट और सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले केंद्र ने इस संगठन और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने फेसबुक और ट्विटर को यह सूचना दी है कि PFI से जुड़े सभी अकाउंट्स को तुरंत बंद किया जाए। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 16 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सलमान खान का वार रविवार को नहीं होगा क्योंकि वो बिग बॉस अब हर शुक्रवार और शनिवार शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। यानी वो कंटेस्टेंट्स पर वार तो करेंगे लेकिन ये वार अब अलग दिन होगा। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। इस बीच तुर्की की सिंगर मेलेक मोसो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिंगर ईरान में चल रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने PFI का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों की गलत गतिविधि की वजह से संगठन को बैन किया जाता है तो यह खतरनाक है। उन्होंने इस फैसले को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी सोच का हम हमेशा से विरोध करते आए हैं लेकिन इस तरह का प्रतिबंध बिल्कुल गलत है।
केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले सरकार ने स्कीम को 3 महीने यानी इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर दिया और अब इस पर चर्चाएं जारी है। खबर है कि उन्होंने मन से यह कह दिया कि मोदी जी भी करियर खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने पीएम मोदी के ही जन्मदिन को लेकर जारी कार्यक्रमों के दौरान महाराष्ट्र में यह बात कही। कई दिनों तक कट्टरपंथी संगठन PFI पर छापेमारी के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से इस अतिवादी संगठन और उससे जुड़ी संस्थाओं पर अगले 5 सालों के लिए बैन लगा दिया गया है। इस बीच पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई और RSS का नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अल्लू अर्जुन जल्द ही दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। अंदरूनी सूत्र का कहना है कि अल्लू अर्जुन अक्टूबर के मध्य में Pushpa 2 की शूटिंग शुरू करेंगे और उनका नया रूप जल्द ही सामने आएगा। स्टार इसके लिए क्लास ले रहे हैं और Pushpa 2 की तैयारी कर रहे हैं। नवंबर 2016 में 501,000 रुपए के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह मुद्दा अब भी जीवित है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एस बोपन्ना, वी राम सुब्रमण्यम और बीवी नागरत्न ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या यह मुद्दा अब जीवित है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती के मौके पर पंजाब को एक और सौगात मिली है। यहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच 7 साल पुराना गतिरोध भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दिनकर अस्थाना अगस्त 1990 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। वे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन और थोड़ी बहुत फ्रेंच जानते हैं। उन्होंने बॉन, बैंकॉक, कोलंबो और मैक्सिको सिटी में भारतीय राजनयिक मिशनों में काम किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज केरल में शुरू हुई। यात्रा का आज 18वां दिन है। राहुल गांधी के साथ उनके समर्थक और कार्यकर्ता वायनाड पहुंचने वाले हैं। वायनाड राहुल गांधी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यात्रा यहां पंडिकर स्कूल पंडी से शुरू हुई और यह वंडूर जंक्शन पर पूर्वाह्न 10:30 बजे कुछ देर के लिए विराम लेगी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में DA बढ़ाया था। यह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके साथ ही अंकिता मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी की 19 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। किंग सलमान बिन के आदेश के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब UAE के प्रधानमंत्री होंगे और उनके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान रक्षा मंत्री बनेंगे। यूपी के गोरखपुर से BJP सांसद रवि किशन के 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सांसद ने एक बिल्डर के खिलाफ करीब 3.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। गोरखपुर कैंट थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व की मंजूरी दे दी है। इस रिजर्व का नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा जो 52,000 हेक्टेयर में फैला है। यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद जिले में टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिली है। बोलपुर बिल्डिंग प्लान मामले में अनुब्रत मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है। बोलपुर नगर पालिका की ओर से दायर किए गए मामले में फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया गया है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक और भक्ति गीत वायरल हो गया है। इस गीत का टाइटल है माई मोरी अंगना में ऐली। इस गाने को फैंस इतना पसंद कर रहे हैं कि महज कुछ घंटों में ही इसके व्यूज 1 मिलियन को पार कर गए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है भान प्रकाश मौर्य, राकेश शर्मा, विकास यादव, नुनू कुमार, अभिनेश कुमार और सूरज कुमार। आपके इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा PFI पर बैन लगाना उचित था। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।